दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम में चार बड़ी सरप्राइज तब्दीलियां कर दी गई हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया प्लेइंग 11 से। प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साइम अयूब भी ड्रॉप हो चुके हैं पहले T20 मुकाबले से, और कौन से प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं ये इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों बात करें पाकिस्तान टीम की फाइनल प्लेइंग 11 की, जो पहला T20 मुकाबला खेलेगी। तो ओपनर्स चेंज हो चुके हैं। पहले नंबर पर मोहम्मद रिजवान होंगे, उनके साथ ओपनिंग करेंगे उस्मान खान। साइम अयूब ड्रॉप कर दिए गए। नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे कैप्टन बाबर आजम, जबकि नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैटर फखर जमान। उसके बाद 5वें नंबर पर बैटिंग करते दिखाई देंगे हार्ड हिटर बैटर आजम खान, जबकि छठा नंबर होगा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में इफ्तिखार अहमद का। 7वें नंबर पर एक और बड़ी तब्दीली कर दी गई, शादाब खान को शामिल कर लिया गया। इमाद वसीम ड्रॉप हो चुके हैं। 8वां नंबर होगा शाहीन शाह अफरीदी का, जबकि 9वें नंबर पर खेलते दिखाई देंगे लेफ्ट आर्म पेसर मोहम्मद आमिर। प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर एक और बड़ी तब्दीली की गई, नसीम शाह को बाहर करके हारिस रऊफ को खिलाया जाएगा, जबकि 11वां और आखिरी नंबर होगा अब्बास अफरीदी का। ये थी दोस्तों पाकिस्तान टीम की फाइनल प्लेइंग 11 पहले T20 मुकाबले के लिए। कैसी लगी आपको प्लेइंग 11? पहला T20 मुकाबला 22 मई को खेला जाएगा ब्रोज बुध रात 10:30 बजे। दोस्तों क्या पाकिस्तान जीत पाएगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।